अब आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नए बल्दियाती निज़ाम के मुसवदे की मंजूरी दे दी गई। बल्दियाती निज़ाम का बिल असेंबली इजलास में पेश किया जाएगा। मज़ीद तफ़सील जानेंगे आकिब तनवीर से। जी आकिब, पार्लिमानी पार्टी इजलास में पंजाब की बीना के अरकान की जानिब से जो बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग है वो भी दी गई और वज़ीर आज़म ने कैबिना अरकान और पार्लिमानी पार्टी की मशावरत के साथ मुसवदे की मंजूरी दे दी गई है और नए जो बल्दियाती निज़ाम में है वो विलेज काउंसिल और मोहल्ला काउंसिल का जो इंतखाब है उसको गैर जमाती बुनियादों पर कराने की तजवीज़ जो है वो भी जेर गौर रही और इस बिल मुसवदा की हतमी मंजूरी जो है वो इस पार्लिमानी पार्टी इजलास में दी गई है, जिसके बाद इस बिल को पंजाब असेंबली के आने वाले इजलास में पेश भी किया जाएगा। वहाँ पे इसकी जो बिल मंजूर होगा तो उसके बाद मुकम्मल तौर पर जो बल्दियाती निज़ाम है इसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू कर दिया जाएगा। जो सूबाई वजीर हाउसिंग है मियां महमूद रशीद, उनसे भी गुफ्तगू हुई, उनकी जानिब से भी बताया गया कि जो तहसील और विलेज काउंसिल का निज़ाम है वो कायम करने की इसमें तजवीज रखी गई है। जिला काउंसिल की बजाय जो तहसील काउंसिल है वो निज़ाम देहात में, और तहसील और विलेज काउंसिल जो है ये दोनों इसमें शामिल की गई है। विलेज काउंसिल और जो मोहल्ला काउंसिल है इसके इंतखाब जो गैर जमाती बुनियादों पर कराने की सिफारिश भी इस बिल के अंदर मौजूद है। चूंकि जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी इस बिल की जब पेश किया गया इस मुसवदे के ऊपर ब्रीफिंग दी गई तो उनका भी कहना था कि नए बल्दियाती निज़ाम का मुसवदा मंजूर कर लिया गया। शुक्रिया आकिब तनवीर।